खबर प्रयागराज से, ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है जब अतीक अहमद के दफ्तर से खूनी साजिश होने की खबर सामने आई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर सीएमओ का शव मिला है, फंदे से लटकता हुआ ये शव मिला है, बड़ी खबर प्रयागराज से। यूपी के प्रयागराज के एक होटल में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का शव मिला है। सुनील कुमार का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटक रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार बनारस के रहने वाले थे। ये जो इलाका है, आपको बता दें, प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यहां पर होटल विट्ठल में कमरा नंबर 106 था, वहीं पर उनका शव जो है वो फंदे से लटकता मिला है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है जब प्रयागराज में लगातार एक के बाद एक कई सारी घटनाएं घट रही हैं। आज ही एक बड़ी घटना हुई है जहां पर अतीक अहमद के दफ्तर में खून से सना हुआ चाकू, कपड़े, दुपट्टा, महिला के कपड़े, ये तमाम चीज़ें मिली हैं। पुलिस इसे सुलझाने में लगी हुई है, फोरेंसिक की टीम जो है वो भी इसमें जुटी हुई है। लेकिन इस बीच सिविल लाइन्स इलाके से ये बड़ी खबर, आपको याद दिला दें, जो सुनील कुमार सिंह हैं वो संचारी रोग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सुनील कुमार की मौत और अतीक अहमद के दफ्तर पर जो खून के धब्बे मिले हैं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, इस तरह की कोई भी जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। उधर अतीक अहमद के दफ्तर पर लगातार पुलिस को इस बात का शक है कि यहां पर ये खून के धब्बे संभवतः किसी इंसान के भी हो सकते हैं, जानवर के भी हो सकते हैं। अब ये जांच में सामने आएगा। लेकिन इधर सुनील कुमार का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। शव को इस बीच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये अब तक साफ नहीं है कि सुनील कुमार की जो मौत हुई है ये हत्या है या आत्महत्या। होटल में उनका शव फंदे से लटकता हुआ क्यों मिला, ये सब जांच का विषय है। वक्त के साथ चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन चूंकि घटना प्रयागराज में हुई है, इसलिए इसके और भी कई मायने जो है निकाले जा सकते हैं। वक्त के साथ इस खबर में जो भी अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। VK News, राष्ट्र के नाम।